भाइयों और बहनों, राजनीति के लिए कांग्रेस ने हमेशा से दो काम प्राथमिक रूप से किए। एक, लुटाने का खेल, मौका मिले वहां लूटो, लूट सको इतना लूटो, खुद भी लूटो औरों को भी लूटने दो, और उनको पता चले कि इसमें लूटना संभव नहीं है, इसमें लूट करने जाएंगे तो लोगों की नजर पड़ जाएगी, तो उन्होंने ऐसी चीजों के लिए रास्ता खोजा लटकाने का। उनके दो ही रास्ते थे, या तो लूटो, नहीं लूट सकते तो लटकाओ। जब अहम कानून और परियोजनाओं की बात आती है तो ये उसे लटका देते हैं। क्यों? क्योंकि परियोजनाएं पूरी हो गई, दशकों तक नहीं खींची तो इनकी दुकान कैसे चलेगी? साथियों, याद कीजिए, मंगल डैम, कोडरमा रांची रेल लाइन, टंडवा बिजली प्लांट, अनगिनत ऐसी योजनाएं हैं जिसको लटका करके ही वो माल खाने के रास्ते खोजते हैं। यहां मेडिकल कॉलेज और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र जैसे संस्थानों की मांग कब से हो रही थी, लेकिन कांग्रेस ने इसके लिए क्या किया? एक तरफ इन्होंने आपके हित की परियोजनाओं को वोट के लिए विवादों में उलझाए रखा, दूसरी तरफ आपकी संपदा को लूटने के लिए षड्यंत्र रचे। झारखंड को इन्होंने अपनी पार्टी के लिए, अपने नेताओं के खर्चे के लिए, अपने दोस्तों के लिए लूटवा दिया। आपके कोयले, आपके अभ्रक, आपकी संपदा पर इन्होंने अपने लिए महल खड़े कर दिए। इस लूट के लिए इन्होंने झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा दिया। स्वार्थ के लिए इन्होंने एक निर्दलीय तक को मुख्यमंत्री बना दिया ताकि हर किसी को अपनी मनमानी करने का मौका मिल जाए। उसके बाद क्या हुआ, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप भली भांति जानते हैं। साथियों, कांग्रेस और उसके साथियों को सिर्फ सत्ता का लोभ है, इसलिए उनके पास बड़े और कड़े फैसले लेने का ना तो साहस है ना ही संवेदनशीलता है। जबकि भाजपा के लिए राष्ट्रहित सबसे ऊपर है, हमारे लिए सत्ता ये सिर्फ और सेवा का माध्यम है। यही कारण है कि बीते 5 वर्ष में अभूतपूर्व काम हुए हैं। जिस झारखंड को कांग्रेस और उसके साथियों की उपेक्षा और गलत नीतियों ने नक्सलवाद की तरफ धकेला, उसको भाजपा ने आज शांति और विकास की तरफ अग्रसर किया है।